Hi friends, welcome to students. Today I will do the exercise 6.2 question number 4 to 6 of Math Science and Dynamical Learning book 7th revised edition. Okay, so friends, let's start. Okay, so friends, सबसे पहले अब ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट. सो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो कि इसमें हमने ऐड करना है. सो ऐड हम कोई भी मेथड से कर सकते हैं. हम हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं, हम कॉलम मेथड से भी कर सकते हैं. अगर आप दोनों मेथड सीखना चाहते हैं, सो मैंने फर्स्ट टू थर्ड सम की एक वीडियो बनाई थी, सो आप वो जाकर देख सकते हैं. सो मैं आप सभी को कॉलम मेथड कर दिखाऊँगा. सो सबसे पहले जो टर्म्स है, टर्म्स के हिसाब से उनके नीचे ही वही लिखनी है. जैसे कि 2x है, 2x के नीचे हम वही लिखेंगे जो जिसकी की टर्म उससे मैच कर रही है. जैसे कि 3x की करती है, यहाँ पर 2x आ जाएगा एंड नीचे आ जाएगा 3x. एंड वैसे ही माइनस 8x की पावर 2 है, सो यहाँ पर 5x की पावर 2 है ऐसे. सो अब हम प्लस 9 है यहाँ पर एंड नीचे भी 9 है, यहाँ पर माइनस 9 है. सो अब हम इन सभी को प्लस करेंगे. 2x एंड 3x कितना हो जाएगा, 5x. अब देखो माइनस 8x एंड 5x कितना हो जाएगा, माइनस 3x की पावर 2 एंड माइनस ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके स्टूडेंट्स, अभी हमारा वी पार्ट है. सो वी पार्ट में हमने वैसे ही करना है जैसे कि हमने पिछली बार किया था. सबसे पहले हम 7 प्लस 9a माइनस 7b लिख लेते हैं. ओके एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लिख लेंगे जो कि हमारे जैसे कि यहाँ पर जो भी टर्म्स है ना वो वहीं पर ही लिखेंगे. जैसे कि 7 के नीचे 6 लिखना पड़ेगा एंड उसके साथ अब हमें लिखना ए वाला लिखना पड़ेगा 4a, जो कि यहाँ पर प्लस आएगा. एंड उसके बाद हमें जो हमारा 2b होगा वो हमें माइनस का लिखना पड़ेगा, माइनस 7b एंड माइनस 2b कितने हो जाएंगे, माइनस वेट ये दोनों हो जाएंगे माइनस 5b. पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड 9a प्लस 4a ये हो जाएंगे 13a, प्लस वाले 13a. एंड 7 प्लस 6 कितना हो जाएंगे, 7 प्लस 6 यहाँ पर माइनस था 6 के यहाँ पर, सो 7 प्लस माइनस 6 हो जाएंगे माइनस 1 या अकेला 1, ओनली 1. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा सी पार्ट है. सो सी पार्ट में हमने लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे लिखी हुई हैं. सो अब हमने सिर्फ और सिर्फ प्लस करना है. जैसे कि माइनस 2b एंड माइनस 7b का कर देते हैं. सो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 9b एंड यहाँ पर माइनस आ चुका है. एंड 4a एंड 2a इन दोनों का कितना आ जाएगा, 6a. माइनस 7c एंड 4c इन दोनों का कितना आ जाएगा, माइनस 3c. ओके सर फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके सर फ्रेंड्स, अभी हमारा डी पार्ट है. सो डी पार्ट में हमने वैसे ही करना है, बस इस बार हमें मतलब कि जो ऐसी कोई टर्म नहीं दी गई है जिसके पीछे एक्स हो और वो इसकी लाइक टर्म हो. सो हमने सिर्फ और सिर्फ इन सभी का प्लस कर देना. जैसे कि 1 एंड 10 का कितना हो जाएगा, 11. 7x ही रहेगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा. एंड माइनस 4x एंड 3x, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 3x की पावर माइनस एक्स की पावर 2, क्योंकि 1x एंड माइनस एक्स की पावर 2 सेम ही होंगे. सो यहाँ पर आपने प्लस डाल देना है. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है. सो फिफ्थ क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने जैसे कि ये हमें दी हुई हैं, जैसे कि ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है एंड डी इतना है. सो हमने प्लस करना है ए प्लस 2b. 2b का मतलब 2 मल्टीप्लाई बी. सो इन सभी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर प्लस सी अकेला प्लस 2d. सो डी वालों को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ए कितना हो जाएगा, 5a माइनस 7b प्लस 7. सो अब 2b कितना हो जाएगा,
माइनस 8a प्लस 8b माइनस 14। अब c कितना हो जाएगा, 9a माइनस 2b माइनस 7। सो अब 2d कितना हो जाएगा, माइनस 4a प्लस 28b प्लस 8। सो हमने यही सॉल्व करना है। जैसे कि सबसे पहले इन सभी को प्लस कर कर 7 प्लस माइनस 14 प्लस माइनस 7 प्लस 8, ये सभी हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे माइनस 6। वैसे ही माइनस 7a प्लस 8a प्लस 2b अपर प्लस माइनस 2b प्लस 28b, सो ये कितना हो जाएगा 27b। यहाँ पर हम डाल देंगे प्लस 5a माइनस 8a 9a माइनस 4a कितना हो जाएगा 2a। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो फ्रेंड्स, अभी हमारा 6th क्वेश्चन है। सो 6th क्वेश्चन में जैसे कि p है 4a माइनस 4b माइनस 4c, वैसे q है 7a प्लस 7b माइनस c। सो अब हमने 2p प्लस 3q करना है। 2p कितना हो जाएगा, 8a माइनस 8b माइनस 8c, एंड 3q कितना हो जाएगा, 21a प्लस 21b माइनस 3c। सो हमने इन सभी को प्लस करना है। सबसे पहले माइनस 8c एंड माइनस 3c कितना हो जाएगा, माइनस 11c, एंड माइनस 8b प्लस 21b वो कितना हो जाएगा, 13b, ये दोनों हो जाएंगे 13b प्लस वाले 13b। सो 8a एंड 21a ये दोनों हो जाएंगे 29a। ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड बाय बाय।